अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पास आईक्यूविजन का एक डीवीआर है, ठीक है, जो कि टर्बो एचडी है। आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे, इसमें देखेंगे डीवीआर के अलावा हमें और कौन सा सामान मिलता है इसमें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें बॉक्स में से एक अदद माउस, एक अडाप्टर, एक साटा केबल, एक पावर केबल और कुछ स्क्रूज मिलते हैं। साथ ही हमें मिलता है कुछ क्विक स्टार्ट गाइड और ये आईकनेक्ट प्रो, ये होता है इंस्टॉलर्स के लिए, ऑनलाइन डिवाइस सर्विस एंड मैनेजमेंट के लिए, ऑनलाइन सपोर्ट के लिए। क्या अभी इन सबको हम साइड पर रख देते हैं, इसको अनपैक करके इसमें हार्ड डिस्क कैसे लगाना है वो आपको बताते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सारी आइटम्स को अनपैक कर लिया, ठीक है। डीवीआर हमारे पास अवेलेबल होता है 4 चैनल, 8 चैनल और 16 चैनल, उसके बाद 32 चैनल होता है। इसमें 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल होते हैं, मुख्तलिफ मॉडल होते हैं। जो अभी मेरे पास मॉडल है ये 8 चैनल 2 मेगापिक्सल है। इसमें फ्रंट पे आईक्यूविजन की ब्रांडिंग होती है, इसमें पावर लाइट, HDD लाइट और नेटवर्क लाइट होती है, आगे शो करते हैं नेटवर्क कनेक्ट है या नहीं। उसके बाद में पीछे आपको 8 पोर्ट BNC के लिए मिल जाती हैं, VGA केबल मिल जाती है, VGA के पोर्ट लगाने के लिए, HDMI लगाने के लिए, ऑडियो इन ऑडियो आउट, ईथरनेट के लिए और 2 USB मिल जाती हैं, एक पावर जैक मिल जाता है, ठीक है। अभी हम इसको खोलेंगे और इसमें हार्ड डिस्क लगा के इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके कवर पर हमें 4 स्क्रूज मिल जाते हैं, 2 बैक साइड पर, 1 लेफ्ट साइड पर, 1 राइट साइड पर। इन सबको हम खोलेंगे, उसके बाद में इसमें देखेंगे हार्ड डिस्क को कैसे इंस्टॉल करना है और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो इसको खोलने के लिए हमें इस तरह के इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की या मैनुअल स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। स्क्रूज को खोलने के बाद इसके कवर को इस तरह बैक साइड पे स्वाइप करके निकाल लेंगे। उसके बाद में देखेंगे इसमें हमें एक मदरबोर्ड मिला होता है इसका। अभी हमें हमारे पास एक अदद हार्ड ड्राइव है, इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये चेक करेंगे। तो वीडियो के एंड तक क्लास में देखिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हार्ड ड्राइव के लिए स्क्रूज जो हमें छोटे पैकेट में स्क्रूज मिले थे वो वाले यूज़ होंगे। हार्ड ड्राइव को फिट करने के बाद में अभी हम इसमें केबल्स लगाएंगे जो हमारे पास मौजूद हैं। केबल्स इसमें एक साटा केबल है, पावर केबल है। पावर केबल को हम डीवीआर में यहाँ लगाएंगे, साटा केबल को हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद में इसमें इसको हार्ड ड्राइव के साथ कनेक्ट करेंगे। हार्ड ड्राइव को साथ कनेक्ट करने के लिए पावर केबल को हम इसके इस साइड पे लगाएंगे, साटा केबल को इस साइड पे लगाएंगे, ठीक है। इसको लगाने के बाद में हम इसको वापस पैक करेंगे, पैक करने के बाद में हम इसको कैसे कन्फिगर करना है वो सीखेंगे। जी तो फ्रेंड्स, इसको हमने वापस पैक कर लिया, अभी हम इसको LCD के साथ कनेक्ट करके पावर ऑन करके चेक करेंगे इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें सारी केबल्स लगा दी हैं। ये VGA LCD के लिए, ये इंटरनेट की केबल है Cat6, ये माउस की केबल है USB। अभी हम इसमें पावर केबल लगाएंगे और इसको कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा।